भारत बंद के आह्वान पर आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान आदिवासी समाज के लोग पूरी ताकत के साथ दुकानों को बंद करवाने निकले, लेकिन व्यापारियों ने इसका समर्थन नहीं किया। आपको बता दें कि आदिवासी समाज के लोगों ने ST SC के आरक्षण समेत उपवर्गीय के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया था। पूरे देश में भारत बंद करवाने के लिए लोग निकले, लेकिन धमतरी में इसका मिला जुला असर देखने को मिला, जहां कुछ दुकानें बंद तो कुछ दुकानें खुली रहीं। इसके साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिलाध्यक्ष महेश जसूजा ने भी आदिवासियों के भारत बंद को समस्या का समाधान नहीं माना और इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया। ये क्या है, 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया, राज्य सरकारों को अपना सुझाव दिया है। उस सुझाव के खिलाफ पूरा भारत बंद है। वो ST SC OBC के समाज को उससे बहुत नुकसान होगा, और नुकसान हो रहा है, जबकि ST SC समाज एक संवैधानिक अधिकार में काम करता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उसमें 340 314 बहुत सारा कंडिका है, जिसके कारण उसको छुआछूत भेदभाव। देखिए, आदिवासी समाज ने जो बंद कराया है, मैं ऐसा समझता हूँ कि हो सकता है कि किसी प्रकार के नियम से उनको तकलीफ आ रही हो, लेकिन बंद उसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बंद से मैं देखा हूँ आम जनता को तकलीफें होती हैं, और बंद नहीं कराना चाहिए, इससे व्यापार प्रभावित होता है। दूसरी बात यह होती है कि आज जैसे आदिवासी समाज वालों ने स्कूल को भी बंद कराया, मुझे ये बताइए कि आज बहुत सारे बच्चे शहर से पूरे पढ़ने जाते हैं और गांव से भी पढ़ने आते हैं, शिक्षा विभाग से उनका क्या संबंध है? बच्चों के स्कूल से उनका संबंध है ही नहीं, उनको बंद नहीं कराना था। दूसरी बात, आज शहर